नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद रत्न में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं चमकी बुखार के लक्षण और उससे सुरक्षा के उपाय। बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर क्षेत्र चमकी नाम के बुखार के कारण देश भर से सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन वजह वहां होने वाले बच्चे और बच्चियों की मौत है। चमकी बुखार के कारण सैकड़ों मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं और ये आलम है कि आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक्यूट इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसे कि हम लोग चमकी बुखार बता रहे हैं, वास्तव में एक तरह का मस्तिष्क ज्वर है। ये बीमारी 1 से 8 साल के बीच की उम्र के बच्चों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर होती है, जिस कारण वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है चमकी बुखार। एक्यूट इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम को हम भारतीय लोग चमकी बुखार कहते हैं। इस सिंड्रोम के संक्रमण से ग्रस्त मरीज के मस्तिष्क व शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है और उसका शरीर अचानक से सख्त होने लगता है। चमकी बुखार एक संक्रामक बीमारी है और इसका वायरस शरीर में पहुंचते ही हमारे रक्त में शामिल होकर प्रजनन शुरू कर देता है। जैसे जैसे इस वायरस की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे ये हमारे खून के साथ मस्तिष्क में पहुंच जाता है और कोशिकाओं में सूजन शुरू कर देता है। इस बीमारी के कारण शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाता है। लीची बताई जा रही है वजह। हालांकि चिकित्सक इस बुखार का सही अंदाजा नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इसके पीछे कई तरह के कारण सामने आ रहे हैं। कई डॉक्टर इसे भीषण गर्मी से जोड़कर देख रहे हैं, तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी, उमस, गंदगी और कुपोषण बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। शुरुआत में बच्चों की मौतें लीची खाने से होने की जानकारी सामने आई थी। दरअसल लीची में पाए जाने वाले तत्व हाइपोग्लाइसिन ए और MPCG शरीर में फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को बनाने में बाधा डालते हैं, जिसके कारण ब्लड शुगर का स्तर कम होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति को मस्तिष्क संबंधी समस्याएं होने लगती हैं और मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं। ये हैं चमकी बुखार के लक्षण। बच्चे को लगातार तेज बुखार, बदन में ऐंठन और बच्चे अपने दांत पर दांत चढ़ाए रहते हैं। कमजोरी के कारण बच्चा बार बार बेहोश होता रहता है और उसका शरीर सुन्न हो जाता है। बच्चों को मानसिक भटकाव महसूस होता है और बच्चों को घबराहट महसूस होती है। तेज बुखार आने पर माता पिता को क्या करना चाहिए? तेज बुखार होने पर बच्चे के शरीर को गीले कपड़े से पोंछें, जिससे बुखार उसके सिर पर नहीं चढ़ेगा। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही पैरासीटामोल की गोली या सिरप बच्चों को दें। बच्चों को ORS का घोल पिलाएं। ध्यान रखें कि इस घोल का इस्तेमाल 24 घंटे के बाद बिल्कुल न करें। बुखार आने पर बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं और उसे दाएं या बाएं ही लिटाएं। बच्चे को हमेशा छाया वाले स्थान पर ही लिटाएं। बुखार आने पर बच्चे की गर्दन सीधी रखें। बच्चे को धूप और गर्मी से बचा कर रखें। उसे पोषक आहार खिलाएं और पानी की कमी तो बिल्कुल न होने दें। इस बुखार के लक्षण महसूस होने पर क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे को खाली पेट लीची भूल कर भी नहीं खिलाना चाहिए। बच्चे को गर्म कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने चाहिए। जब बच्चा बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। मरीज के साथ उसके बिस्तर पर बिल्कुल न बैठें। मरीज के साथ रहने के दौरान उसे बेवजह तंग न करें और न ही उसके आसपास शोर मचाएं। इस रोग में जांच बहुत जरूरी है। चमकी बुखार के वक्त डॉक्टर MRI या CT स्कैन की सलाह देते हैं। साथ ही इस बुखार की पहचान के लिए खून या पेशाब की जांच भी कराई जा सकती है। अगर बच्चे में शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो रीढ़ की हड्डी से द्रव्य का नमूना लेकर जाँच की जाती है। और आखिर में ये बरतें सावधानियाँ। बच्चों को किसी भी हाल में जूठे और सड़े हुए फल बिल्कुल ना खिलाएं। बच्चों को गंदगी से बिल्कुल दूर रखें। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ जरूर धुलवाएं। ध्यान रखें कि बच्चे साफ पानी ही पिएं। उनके नाखून बिल्कुल भी बढ़ने ना दें। गर्मी के मौसम में बच्चों को धूप में खेलने से सख्त मना करें और रात में बच्चे को कुछ खिलाकर ही सोने के लिए भेजें। तो दोस्तों ये थे चमकी बुखार के कुछ लक्षण और उससे बचने के कुछ तरीके। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलेंगे इसी तरह के किसी नुस्खे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।